बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कैरीज का मौसम है, कच्चे कच्चे आम आ चुके हैं जिसको अम्बियाँ भी बोलते हैं। ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल भी हैं और बहुत ही सस्ते दामों मिल भी रही हैं। तो सोचा क्यों ना मज़ेदार किस्म की खट्टी मीठी सी अम्बियों पर मुश्तमिल एक मज़ेदार सी चटनी रेडी कर ली जाए और आपसे शेयर भी की जाए, ताकि आप भी इस किस्म की चटनी बनाकर घर वालों की दाद वसूल कर पाएँ। तो ये बस हमने मज़ेदार सी कैरी की चटनी कैसे रेडी की, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 3 अदद कैरीज को मैंने कट कर लिया है। कैरीज का साइज़ आप देख लें, इतना कैरीज का साइज़ था, जिसको काटने के बाद अब इसका वज़न तकरीबन रह गया है 200 ग्राम। इसको मैंने थोड़े छोटे छोटे स्लाइसिस में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, चाहें तो इससे बारीक स्लाइस भी कट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अम्बियों को धोने के बाद छीलना है और छीलने के बाद कट कर लेना है। तो चलिए व्यूअर्स, अपना अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लेते हैं, इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1 गिलास पानी। पानी के अंदर ही हम ये अम्बियाँ जो है ना कैरीज, जिनको हमने कट किया हुआ स्लाइसिस की शक्ल में, वो शामिल कर देते हैं और इसको थोड़ा सा पानी के अंदर मिक्स कर लेते हैं। इसको पकाएंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए कवर करके, ताकि ये कैरीज के स्लाइसेस अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे बस तकरीबन 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और हम चेक कर लेते हैं कि क्या कैरीज गल चुकी हैं, इनके पीसेस गल चुके हैं। तो जी हाँ, बस आप देख सकते हैं कि ये इजीली मैश हो रहे हैं। थोड़े से इसके चंक सब मैश कर लेते हैं और थोड़े से वैसे ही रहने देते हैं। कितने अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो बस थोड़े से स्पाइसेस हम इसके अंदर शामिल करने वाले हैं, जो इस चटनी को बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना देंगे। 1/2 टीस्पून शामिल कर देते हैं सफ़ेद नमक, 1/2 टीस्पून शामिल कर देते हैं काला नमक, 1/4 टीस्पून शामिल कर देते हैं काले मिर्च, 1/4 टीस्पून शामिल कर देते हैं दरा मिर्च, 1/2 टीस्पून शामिल कर देते हैं गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून शामिल कर देते हैं कलवंजी, और साथ ही बस 1/4 टीस्पून शामिल कर देते हैं ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून शामिल कर देते हैं सावर ज़ीरा। इन सारे ही स्पाइसेस को हमने शामिल कर दिया है। इसको मिक्स कर लेते हैं कैरीज के साथ, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं लो फ्लेम पे। यहाँ पे बस सारे हमने स्पाइसेस को पका भी लिया है और इस स्टेज पे आके इसमें शामिल कर देते हैं चीनी। 100 ग्राम चीनी है, यानी कि 200 ग्राम कैरीज हैं, तो 100 ग्राम उसके अंदर चीनी शामिल करेंगे, जो बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अगर आप चीनी की मिकदार कम करना चाहते हैं, ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और उस वक्त तक चम्मच को चलाएंगे जब तक ये चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ पे बस तकरीबन 2 से 3 मिनट में ही मीडियम फ्लेम पे चीनी मेल्ट हो चुकी है और इसने अपना पानी भी छोड़ दिया है। बस इस चीनी को हमने पका लेना है, इतना पकाएंगे कि जिससे चीनी का पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट में ही मीडियम फ्लेम पे इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा। और यहाँ पे जो छोटे छोटे चंक्स नज़र आ रहे हैं, इसको आप चाहें तो मज़ीद मैश भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए व्यूअर्स, बबल्स नज़र आना शुरू हो गए हैं और मज़ेदार सी चटनी रेडी हो चुकी है। इसको रख देते हैं एक साइड पे, ताकि ये आ जाए रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। तो ये देखिए व्यूअर्स, चटनी रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। इसको हम शिफ्ट कर देते हैं एक बाउल में। बहुत ही टेम्पटिंग मज़ेदार सी चटनी है। इसको चाहें तो नान के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, एज आ साइड डिश भी ले सकते हैं। और अगर सालन खाने को ना भी दिल करे ना, इस चटनी को ही बस ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही हेल्दी किस्म की ये चटनी है। क्योंकि वह जो मसाले हमने इसके अंदर शामिल किए हैं ना, ये सारे ही निज़ाम इन्हज़ाम को दुरुस्त करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। बदहजमी हो, सीने की जलन हो, तो इस चटनी का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह सारे ही मसाइल से छुटकारा हासिल हो जाएगा। तो इस बस इसको आप सेव भी कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, किसी भी जार में, पूरे 1 महीने भर के लिए। तो बस जार को आपने अच्छे तरीके से धो लेना है, बॉईल कर लेना है, बॉईल करने के बाद इसको ड्राई कर लेना है। और जब इसके अंदर चम्मच यूज़ करेंगे ना, तो बिल्कुल खुश्क चम्मच होना चाहिए, फिर इंशाल्लाह ये चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसको शिफ्ट कर दें किसी भी जार में, ऊपर से लगा दें ढक्कन और रख दें फ्रिज के अंदर, और खूब इंजॉय करें। जब दिल चाहे निकालिए, खुश चम्मच से निकालिएगा और इंजॉय कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो इसको बाहर रख के भी खा सकते हैं। तकरीबन 8 दिन तक आप इसको बाहर रख के भी खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही हेल्दी किस्म की कैरी की चटनी हमने कितनी जल्दी रेडी कर ली है। उम्मीद है व्यूअर्स, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। जल्दी से जाइए, बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। ट्राई करने के बाद फीडबैक भी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।